तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ मैं तोड़ा नहीं था, पर आप लोगों को दिखाने के लिए पहले तोड़ा हूँ। ये जो आप टी देख रहे हो, यहाँ तो मैं नहीं तोड़ता, तो आप लोगों को शायद लगता ये एल्बो है। तो एल्बो रहता तो आप लोग, बहुत सारे कॉमेंट ऐसा आ जाता है जो बोलते हो जो एल्बो था, आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, ऐसा आइडिया क्यों दिखा रहे हो। तो यहाँ एल्बो नहीं है, टी है। और यहाँ सबसे बड़ी परेशानी क्या है मालूम है इस फ्लास्कोप में? ये फ्लास्कोप तो लीकेज है, और ये देख रहे हो ये सादा एम्प्टी है, मतलब ब्रास एम्प्टी नहीं है ये वाला। अब ब्रास एम्प्टी भी नहीं है, एल्बो भी नहीं है, तो हम यहाँ किस सिस्टम से काम करेंगे? टाइल से ज़्यादा ना थोड़ी। बहुत लोग क्या करते हैं, इस जगह में चार एल्बो लगाते हैं, एक ऐसा, एक ऊपर, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ कनेक्शन करते हैं। तो इतना क्यों करें? एक ऐसा सिस्टम पूरा बिल्कुल, जो पहला 3 साल पहले जो मैं वीडियो बनाया था वो थोड़ा सा अलग था, ये उससे बहुत अलग होगा, जो आप देखे नहीं हो अभी तक। या कुछ नया टेक्निक से काम करने वाला हूँ। तो फ्लास्कोप जो है बिगड़ चुका है, जिसका लीकेज यहाँ हो रहा है, आप देख लीजिए। अभी पानी भी मैं बंद करूँगा, तो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए क्या क्या सामान लिया हूँ। सिर्फ एक सादा एम्प्टी लिया हूँ, ब्रास एम्प्टी की ज़रूरत नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है जानकारी के लिए आप लोगों के लिए। और एक फ्लास्कोप है, और 2 1 इंच का कपलिंग है, जिसका मैं बॉर्डर जो है पहले क्लीन कर लिया हूँ, ठीक है। और इसका आर पार भी आपका हो जाना चाहिए पूरा, इस तरीके से जो आप देख रहे हो, ऐसा पूरा आर पार हो जाएगा तो आप पूरा आराम से कर पाएंगे। 2 कपलिंग का आर पार करना है, और यहाँ आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका एम्प्टी टूट जाएगा, यहाँ से लीकेज होएगा, और बहुत शॉर्ट जगह में, मतलब जितना चाहे आप, जितना कम हो सके उतना कम जगह में आपको तोड़ना है और करना है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, पानी बंद करेंगे, और यहाँ पर कहीं पर भी एक जगह में कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लास्कोप का स्पिंडल खोलना है। यहाँ आप देखिएगा सादा एम्प्टी है, तो बहुत ज़्यादा रिक्स है, और बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा पोजीशन बनाकर। उसके बाद जो है आपको पूरा फ्लास्कोप खोल लेना है, यहाँ कटिंग करने का ऑप्शन नहीं करना है, पूरा खोल के आपको निकालना है और दूसरा नया लगाना है। ये सिस्टम ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पोजीशन ही नहीं है वैसा। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आपकी तरफ से। और हाँ, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो घंटी है उसे जरूर दबाइए। अब ये क्यों किया हूँ, कटिंग इसलिए किया हूँ क्योंकि मेरा जो टाइल्स कम तोड़ना पड़ेगा, ये जो जगह है मेरा इधर आ गया है कम जगह में, इसलिए कटिंग कर दिया हूँ। और थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका PVC MT है, तो ज़्यादा मैं बड़ा नहीं रख सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेफलॉन टेप लगा लेता हूँ, टेफलॉन टेप तो यहाँ जरूरी है। और हो सके तो एक बार फ्लास्कोप आप जो लगा रहे हो उससे टेफलॉन टेप लगाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए वो कहीं सही है कि गलत है, ओके। और यहाँ पर देख लीजिए फ्लास्कोप का एरो है, और एम्प्टी में इसमें पहले टाइट कर लिया, तो एरो देखकर आपको इसे टाइट कर लेना है ऐसे फिर से। तो यहाँ पर क्या है, वो एम्प्टी को मैं वेस्टेज नहीं किया, तोड़ा नहीं, निकाला नहीं, उसी एम्प्टी में मैं टाइट कर दिया जो पहले का था, इनलेट लाइन में PVC MT। यहाँ ध्यान दे के टाइट करना पड़ेगा, PVC MT है, और स्पिंडल लगाना है, और पानी चालू करके एक बार चेक जरूर कर लेना है, ओके। उसके बाद चलिए देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं क्या सिस्टम किया हूँ, यहाँ पर आपको ना पहले जो है एक ऐसा कपलिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ कपलिंग रखिएगा, कपलिंग रखने के बाद यहाँ आपका जितना अंदर पाइप जाता है वहां से जो है आपका कपलिंग का ये आउटसाइड, ये मेजरमेंट करना है, यहाँ तक मेजरमेंट करके उतना आपका टुकड़ा काटना है, उससे हो सके तो 1-2 mm बड़ा ले लेना है, छोटा नहीं लेना है, ठीक है, 1-2 mm। तो उतना लेवल का मैं एक कटिंग कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कपलिंग लेना है जैसे कि ये है, और एक कपलिंग चाहिए आपको। कपलिंग लेने के बाद यहाँ देख रहे हो ये एक टुकड़ा है कपलिंग का साइज का, बिल्कुल हो सके तो 1-2 mm बड़ा ले लेना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ इसे फिटिंग करूंगा ये साइज का। उसके बाद जो है ये मैं रखूंगा यहाँ पर इसमें सटा के। उसके बाद एक टुकड़ा लगाया हूँ मैं यहाँ ऐसे, ये लगा देना है दुकाने के बाद, ये आपको फिटिंग कर लेना है पहले अगर हो सके तो, नहीं तो ऐसे भी, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो, ये लगा दिए हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कटिंग करना है, ये देख रहे हो बिल्कुल यहाँ पे आप कटिंग कर लीजिए, ठीक है। मैं भी यहाँ कटिंग कर लेता हूँ, या फिर 1-2 mm आप छोटा ले सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो,
उसके बाद ध्यान दीजिए कि इस तरीके से काम कर रहा हूँ। इस टुकड़ा को आपको लगा देना है, जो टुकड़ा का पहला मेजरमेंट बताया था, और कपलिंग जो है आपको बेहतरीन तरीके से क्लीन करना है, जो बॉर्डर क्लीन करना है पूरा कपलिंग। और यहाँ देख लीजिए, एक टुकड़ा जो है मिडिल में यहाँ देना है, और ये हो गया है ब्रेकिंग न्यूज, मतलब किस सिस्टम से काम कर रहा हूँ देख लीजिए। बहुत जल्द काम करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ कपड़े में सभी सफाई कर लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ पूरा क्विक, मतलब आप 2 मिनट से ऊपर तो ले नहीं सकते, इतना जल्द आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ आपका पाना सेटिंग वगैरह सब देखना पड़ेगा, जो दीवार के अंदर कितना तोड़ना पड़ेगा नहीं, ये सब देख कर रेडी करना है। उसके बाद टुकड़े में पहला सॉल्यूशन लगा कर रख दीजिए, और दो कपलिंग जो है, दोनों कपलिंग में आपको सॉल्यूशन लगा देना है, और कपलिंग अच्छे तरीके से आपका पाइप में आर पार होना चाहिए, मतलब आराम से हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं काफ़ी तकलीफ़ से जा रहा है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ शायद मुझे कैमरा लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पीवीसी एमटी है और हम रिक्स भी नहीं ले सकते ना, यहाँ टूटने का चांसेस है। जो कैमरामैन है, अगर एक्स्ट्रा नहीं तो कैमरामैन को मुझे लाना पड़ेगा इसका वीडियो बनाने के लिए, जो हमारे साथ है उसे हेल्प का ज़रूरत है मुझे यहाँ एमटी पकड़ के रखने के लिए। किस तरीके से काम करना है इसे आपको पहले अंदर डाल देना है, हो सके तो यहाँ देख लीजिए ब्लेंस अप डाउन हो रहा है, आप पकड़ कर रखिएगा किसी पाने में, वो बेहतर होगा ठीक है। तो यहाँ फिर आप कैमरा लगा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि वीडियो अच्छा बन जाए, और अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है तो माफ़ करिएगा। और यहाँ पर आपको टाइम पास करने से नहीं चलेगा, मतलब पूरा तुरंत तुरंत इस सब काम करना पड़ेगा। लग गए हो ना तो कपलिंग दोनों को तुरंत आप पहले डालिए, और टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करते हुए। यहाँ शायद कैमरा में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, हेल्प चाहिए कैमरामैन का पकड़ने के लिए। उसके बाद इस टुकड़ा में और थोड़ा सा सॉल्यूशन लगा के इसमें मिडिल में रखिए, और यहाँ पाना पकड़ना पड़ेगा आपको ठीक है। अब देख लीजिए सिस्टम, यहाँ पाना पकड़ूँ और चलिए देखता हूँ ताकत लगेगा तो। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं मिस्टेक किया हूँ, मतलब कैमरा के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट इसे ऐसे पाना में आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, और आपको एक ही साइड ऊपर साइड घुमाना पड़ेगा, और हो गया। और यहाँ भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करा चलेगा, सॉल्यूशन लगा दिए हो तो इसमें भी आपको तुरंत लेना पड़ेगा, नहीं तो ये सूख जाएगा तो आप घुमा नहीं सकते। इसलिए 2 मिनट के अंदर ही आपको, 1.5 मिनट 2 मिनट जितना हो सके फास्ट आपको ये करना है, और ये कभी लीकेज नहीं होगा। और एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ जो है सभी जॉइंट में आपको सॉल्यूशन लगा देना है, और कपलिंग का आप हालत देख रहे हो, कपलिंग अगर अच्छा कंपनी का यहाँ मिल जाता, मैं जिस जगह में फ़िलहाल हूँ, तो बहुत अच्छा होता है। ये कपलिंग आप थोड़ा कंपनी वाला लीजिएगा, कोई चालू चिल्लर मत लीजिएगा, काफ़ी रिक्स वाला काम है। और ये हो गया है पानी चालू। उम्मीद करता हूँ आपको टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, और ये चीज़ जो है आउटलेट में आप उपयोग करिएगा, दो कपलिंग का, इनलेट की सिस्टम में मत करिएगा। यहाँ फ्लास्कोक का आउटलेट था तो ये सिस्टम मैं यूज किया हूँ, दो कपलिंग, और हम यहाँ दो थे इसलिए थोड़ा सा रिक्स नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि पीवीसी एमटी है, अगर हम अकेला अकेला करते तो कहीं टूटने का चांसेस हो सकता था, इसलिए वीडियो उतना खास नहीं बनाया हूँ। फिर भी उम्मीद करता हूँ बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आया है, और वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल, और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मैं यूज़ करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास।